पर भरोसा हमें नहीं करना, उस नैरेटिव में नहीं फंसना, मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। बहुजन मीडिया ही आपकी अपनी ताकत है, उसको आगे बढ़ाइए, समर्थन कीजिए। हमारे जो लोग इस निजीकरण के खिलाफ, इस न्यायपालिका में आरक्षण के खिलाफ, यह मनुवाद का जो पूरा ढांचा है उसके खिलाफ, न्यायपालिका में आरक्षण के लिए, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जातिवाद जनगणना के लिए, आदिवासियों पर होने वाले हमले के खिलाफ जो आदमी साथ में खड़ा होकर आवाज उठाता है, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होते तो उसकी टांग मत कीजिए, उसको लड़ाई लड़ने दीजिए और मुमकिन हो तो उसका साथ दीजिए। यही मेरी अपील है। ये जमावड़ा उस दौर में हो रहा है जब 71 साल का एक बूढ़ा आदमी देशभक्ति के नाम पे प्रधानमंत्री बन के सरकार चला रहा है और 24 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उस दौर में हम लोग एकजुट हो रहे हैं। जो ये वो दौर है जहां आप देखेंगे, पहला ही जो मकसद लिखा है, बढ़ता हुआ निजीकरण। हमें लगता था कि सेना एक ऐसी चीज है जो सबसे एक सेक्रेट होली काउ की तरह उसको रखा जाता है, कि वहां तो इतनी कहे कि सरकार जो देश के साथ धोखा देने वाली नीति है वो लागू नहीं करेगी, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग, हमारे बॉर्डर्स को अपनी जान देकर सुरक्षित करने वाले लोग, जब उन लोगों को ठेके पर भर्ती किया जाएगा, ठेके पर सैनिक बनाए जाएंगे और फिर उनको ना पेंशन मिलेगी ना दूसरा कोई रोजगार मिलेगा, और फिर वो हथियार चलाना सीख के जब वापस आएंगे फिर वो इस देश में क्या कोहराम मचाएंगे, जब उनको बेरोजगारी से जूझना होगा, जब उन्हें गरीबी से जूझना होगा, जब उन्हें निजीकरण से जूझना होगा, जब उनके पास कोई डिग्री नहीं होगी तो उन्हें कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा, तब क्या होगा। आपने उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है और नाम देखिए क्या दे रहे हैं, अग्निवीर। मतलब शर्म आनी चाहिए, जख्मों पे नमक छिड़कने का काम अग्निवीर। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, देश वीर नाम की योजना लाइए और रखिए कि 4 साल तक ही कोई विधायक सांसद बन सकता है और अगले साल से 75% विधायक सांसद दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, रिटायर कर दीजिए, उनको एक पेंशन भी मत दीजिए, जो फंड आप इकट्ठा करेंगे 5-10 लाख वो दे दीजिए, वो भी उनके युवाओं की तरह, नौजवानों की तरह नए व्यवसाय ढूंढेंगे, उन्हें सस्ता लोन देने की भी सुविधा शुरू कर दीजिए, उन्हें ब्याज कोई सुविधा दे दीजिए, वो भी नए धंधे शुरू कर लेंगे जैसे आपने इस देश के युवाओं के लिए शुरू किया है। तो ये वो दौर है जब सब कुछ बेचने के लिए तैयारी है, जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज सब चीजों की सेल लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे रेडी होती है, रेडी पर आप फल लेंगे, सब्जियां मिलेंगी, सारी कंपनियां, हवाई अड्डे, हवाई जहाज, रेलवे, सब कुछ बेच दे रहा है और वो आदमी कहता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देशभक्ति के नाम पर सब कुछ लूट रहे हैं, आपको बोलने नहीं दे रहे, आपको विरोध नहीं करने दे रहे, आपको जेल में डाल देते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ऐसे दौर में इस तरह के आयोजन हमें एक उम्मीद की नजर आते हैं, एक उम्मीद बनाते हैं कि अभी शायद उतना बुरा दौर नहीं आया है, इसलिए उठ खड़ा होना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए परिसंघ ने जो ये कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो ये जमावड़ा किया है, मुझे उम्मीद है ये लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और हमारे देश में जो इस समय नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा शिकार हमारे लोग हैं, सबसे ज्यादा हाथमारी हमारे लोगों की होती है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, पसमांदा समाज के लोगों के खिलाफ जो एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है, और ये षड्यंत्र हमें RSS की तरफ भी लेके चलता हुआ दिखता है। मैं तो इस बात की भी आशंका जाहिर करता हूं, मन से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आपके लोग सरेआम भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी प्रतियां जलाई जाते हैं, धर्म संसद के नाम पर नरसंहार का आह्वान करते हैं और नया संविधान लागू करने की कोशिश करते हैं। कहीं ये साजिश तो नहीं हो रही कि RSS की सारी मंडली को हथियार चलाने की ट्रेनिंग 4-4 साल की दे दी जाए और बाद में आपका मिलिशिया का दौर आए और आप उनको हथियार देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, इस बात की भी आशंका है हमें आपसे। तो हमें ये इस क्रिटिकल टाइम में, इस बहुत इंपॉर्टेंट समय में इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, हम सबके ऊपर बहुत पीढ़ियों तक को उस पर प्रभाव डालने के फैसले होते हैं।
तो हमें ये बात समझते हुए जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। क्योंकि मैं मीडिया से भी जुड़ा हूं और मीडिया पर हमारे साथी मीना कोतवाल और शंभू ने बहुत शानदार बात कही। आप लोगों से गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को मजबूत बनाएं। आप में से कितने सारे लोगों ने नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब किया है, कितने लोग न्यूज पीक को जानते हैं, कितने लोग मीना कोतवाल के चैनल को जानते हैं, दमोक नायक, कितने लोग हमारे नवीन भाई आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब करते हैं। फ्री में होता है, कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ ये समर्थन देना है कि जो अंबेडकर नामा हमारे रतनलाल साहब तो जेल में घूमे हैं उसकी वजह से, ये लग रहा है कि फेसबुक पोस्ट की वजह से गिरफ्तार हुए थे, ये जो काम कर रहे थे उसकी वजह से गिरफ्तार हुए थे। फ्री में करना है आपको अपने लोगों का समर्थन, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, समर्थन कीजिए। और जो हमारे हमसे पहले जो है डॉक्टर उदित राज जी ने एक शानदार बात कही जब मैं उनको सुन रहा था कि जो लैग पुलिंग हम लोग करते हैं, हमें बाकी लोगों से तो बाद में लड़ना है, पहले अपने लोगों से लड़ना है। पहले हमारे लोग बोलेंगे अरे वो कांग्रेस में है, वो बीजेपी में है, अब आप जवाब दीजिए अगर वो वहां ना हो तो क्या आपकी अपनी पार्टियां उनका स्वागत करने के लिए बैठी है, क्या आपकी पार्टियां उनको एक्सेप्ट करने के लिए बैठी हुई है? आपके लोग कहां जाएंगे? जहां रहे अगर कोई आदमी जिस भी पार्टी जिस भी दल में जिस भी संगठन में रहकर अगर आपकी बात करता है आपके हक की बात करता है तो वो आपका आदमी है। और उस आदमी के खिलाफ छींचा लेदर करना, उस पर आलोचना करना, उसके खिलाफ कैंपेन करना, उसकी टांग खींचना, ये आदमी हवाई जहाज से चलता है, इसको क्या जरूरत है हम डोनेशन दे दें, इसको क्या जरूरत है, ये आदमी तो 5 स्टार में रहता है, उसमें खाना खाता है। आप अपने लोगों को तकनीक के साथ आगे बढ़ाइए, उनका साथ दीजिए, समय बचाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में जा सके, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आपको कंटेंट दे सके, उस जो पूरा नैरेटिव जिसमें हजारों करोड़ की एक लागत के साथ हजारों लोगों की टीम आईटी सेल बैठी हुई है, जो आपके व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक यूट्यूब पर आपके दिमाग में लगातार नफरत बढ़ा रही है, ऐसे मैसेज और कैंपेन चला रही है, उसको कभी कभी हम अपनी छोटी सी कोशिश से पंचर कर देते हैं कि हमने कोई पोस्टर बना दिया, कोई वीडियो बना दिया, उसमें छोटा सा कोई हमने लिख दिया, उसको पंचर करने का काम हम फ्री में कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोग इतना कर सकते हैं कि समर्थन दें। और जैसे डॉक्टर रतनलाल साहब कहते हैं जमीन पर काम करने का मतलब जमीन पर लौटपोट करना नहीं होता कि हम धूल में लौट जाएं, तभी आपको लगेगा कि दलित जो है वो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने जमीन से उठाने के लिए संघर्ष करके हमको इस लायक बनाया है कि हम हवाई जहाज में भी उड़े, एसी के भी उसमें भी जाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करें, महंगे हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, अच्छे कंप्यूटर खरीदेंगे, अच्छा कैमरा इस्तेमाल करेंगे, अच्छे ग्राफिक्स बनाएंगे और शानदार कंटेंट बना के मनोवादी मीडिया को जवाब देंगे। तो उसके लिए हमें जरूरत है आप लोगों की, आप समर्थन करें और टांग खींचना बंद कर दीजिए। बहुत गालियां हमें अपने लोगों से ही मिलती हैं, उन लोगों से बाद में लड़ते हैं, पहले अपने लोगों से हमें गाली खानी पड़ती है, तो उसको देख के बहुत बार निराशा भी होती है कि जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप बोल रहे हैं, वही आपके बारे में कैंपेन चला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, विस्तार के साथ क्या क्या चीजें बना के लिख के डाल देते हैं, तो वो निराश करने का काम मत करें, अपने लोगों का साथ दें। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि मैं यदि मेरे समाज का कोई व्यक्ति है, मेरे समाज का कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी किसी भी दल में कुछ भी कर रहा है, अगर मैं उसके समर्थन में नहीं लिखूंगा तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा आदमी है। आज क्या मजबूरी में वो किस दल में किस संगठन में काम कर रहा है, कल को वो आदमी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ खड़ा होगा। इसलिए कम से कम अपने लोगों के अगर खिलाफ आप उनके पक्ष में कुछ नहीं लिख रहे हैं, उनके समर्थन में कैंपेन नहीं चला रहे हैं, तो कम से कम उनको गालियां देना बंद कर दीजिए, उनको उनकी टांग खींचना बंद कर दीजिए, उनके खिलाफ नैरेटिव चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके समाज का काम कर रहे हैं और वो पर्दे के पीछे भी आपके लोगों की मदद करते हैं। हम लोग जानते हैं किस तरह से उन संगठनों में पार्टियों में रहकर भी वो कुछ कुछ अपने लोगों की मदद करते हैं। जब आपके लोग वहां होंगे ही नहीं, जब वहां आपका कोई प्रतिनिधि होगा ही नहीं जो अंबेडकरवादी नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, ये भी समझने वाली बात है। मौके नहीं मिलते बार बार, जिन लोगों को मिले हैं वो शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी बात बस मैं ये कहूंगा कि मीडिया के भरोसे आप मत रहिएगा, कि जो टीवी अखबार की बात शंभू भाई और मीना कर रहे थे कि वहां से कुछ बदलाव होने वाला है, वो प्रचार है,
वो उनको बता दिया जाता है, शाम को व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है किस पे 5 बजे आपको दंगल करना है, ताज ठोकनी है, और किस पे आपको कौन से प्रवक्ता से क्या बुलवाना है, वो सब हेड ऑफिस से जो है वो चैट आ जाती है, आपको मालूम होगा अर्णब गोस्वामी प्रकाश जावड़ेकर की जब वो चैट लीक हुई थी तो उसमें क्या था, वो क्या जिक्र कर रहे थे, वो घोषित है कि वहां से सब कुछ डिक्टेट होता है, लेकिन उस पर भरोसा हमें नहीं करना, उस नैरेटिव में नहीं फंसना, मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। बहुजन मीडिया ही आपकी अपनी ताकत है, उसको आगे बढ़ाइए, समर्थन कीजिए। हमारे जो लोग इस निजीकरण के खिलाफ, इस न्यायपालिका में आरक्षण के खिलाफ, यह मनुवाद का जो पूरा ढांचा है उसके खिलाफ, न्यायपालिका में आरक्षण के लिए, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जातिवाद जनगणना के लिए, आदिवासियों पर होने वाले हमले के खिलाफ जो आदमी साथ में खड़ा होकर आवाज उठाता है, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होते तो उसकी टांग मत कीजिए, उसको लड़ाई लड़ने दीजिए और मुमकिन हो तो उसका साथ दीजिए। यही मेरी अपील है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।